सबसे पहले हम देखते हैं एक बार को, जहाँ पर एक ऑफिसर जो कि पायरेट पनिशर के बारे में इंक्वायरी कर रहा था वही उस बार में था। और तभी पायरेट पनिशर यानी कि नील वहां पर आ चुका था और वो उसे देखकर कहता है कि तुम वापस कब आए और जहाँ पर तुम गए थे वहां पर हुआ क्या था आखिरकार। तब पायरेट पनिशर उसे बताता है कि दोस्त सच बताओ तो हम एक फाइट प्लैनेट पर फंसे हुए थे जो कि फाइट डायमेंशन में एग्जिस्ट करता था, और तुम्हें क्या लगता है कि वो किस तरह से खत्म हुआ होगा। और वो अपनी कहानी बताने लगता है, हम एक फाइट में थे जहाँ पर हम देखते हैं कॉन्टेस्टेंट्स द डिफेंडर्स और आयरन मैन की टीम को यानी के बचे हुए एवेंजर्स को, जहाँ पर थंडरबोल्ट्स में थे फ्रैंक कैसल, सुजन स्ट्रोम, स्टीव रॉजर्स, पीटर पार्कर और बिल फोस्टर। जहाँ पर स्टीव बताता है कि रीड रिचर्ड ने टेलीपोर्टल ट्रायल को ट्रेस किया जो कि तुम्हारे साथ हुई थी, और अब हम यहाँ पर है प्रेसिडेंट स्टार्क, और हम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि तुम किडनैप कर लिए गए हो उन फोर्सेस के साथ जो कि अननोन है, और हम यहाँ पर तुम्हें वापस लेने आए हैं। दूसरी तरफ थे द एवेंजर्स जो कि आयरन मैन की टीम थे, जिसमें थे थॉर ओडिनसन उसी का क्लोन और उसका नाम था थंडरस्ट्राइक, कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल, प्रेसिडेंट स्टार्क, नताशा रोमनोव जो कि अब आयरन स्पाइडर थी, और रॉबी बाल्डविन जिसका नाम था पीनंस। और ये एवेंजर्स उस रियलिटी से एग्जिस्ट करते थे जहाँ पर सुपर सिविल वॉर हो चुका था और सब कुछ टोनी स्टार्क के मुताबिक हो चुका था। बस उसे अब यही लगता था वो अभी भी अपने होम पर है यानी कि अर्थ पर, और बाकी बच्चे हम कंटेस्टेंट्स जिसमें थे इलेक्ट्रा यानी कि बुलजाय, मैं यानी कि आउटलॉ, व्हाइट फॉक्स, एरिस और गुलोटिन। जहाँ पर हमारे बारे में स्टार्क के लोगों को लगता था कि हम इलीगली अनरजिस्टर्ड हीरोज है। ये सब कुछ सेट किया गया था मास्टरों के जरिए जिस बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वही हल्क जो कि पुराना और बेहद खतरनाक हो चुका था, साथ ही साथ क्लेवर भी। वो किसी अनदर डायमेंशन से एग्जिस्ट करता था लेकिन अब भी उसे फाइट्स देखना पसंद था, इस वजह से उसने इन्हें अरेंज करना शुरू किया और वापिस बैठ कर वो उन्हें एंजॉय करने लगा। और अब उसके पास आइसोस्फीयर थी जिस वजह से वो गॉड बन चुका था। नंबर टू पर था जैक गैलॉस पनिशर जो कि फ्यूचर से था या फिर फ्यूचर मेंटल वर्जन था उसका। वो मुझसे बहुत हेट करता था क्योंकि मैंने पनिशर बनना बंद कर दिया। प्रोबेबली देखा जाए तो वो माइस्टो से भी उतनी ही नफरत करता था क्योंकि उसने उसे प्रिजन वार्डन फैंटेसीज पूरी नहीं करने दी। और अब बचे कौन, सिम्बियोट्स। वो मिक्सचर थे सेंट्री और वेनम का और इस वजह से वो वियर्ड थे। और रिक जोन्स जो कि माइस्टो ने क्रिएट किया था प्रोटोप्लाज्म से, ये सब तो हो चुके और अब ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। सिर्फ इन लोगों को जरूरत थी किसी की जो उनके साथ लड़ सके। यहाँ बैटल ग्राउंड में भूल जाए अपना हथियार फेंकते हुए कहती है, जब तक ये न्यू कमर्स कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक दूसरे पर हमें हमला कर देना चाहिए, और वो हमला जाकर बैठता है पीनंस के गले में, इस वजह से वो मर जाता है। लेकिन टोनी स्टार्क वहाँ पर आते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वापस करो। तब थंडर स्ट्राइक यानी कि ओडिनसन का क्लोन कहता है कि पीछे से मारना इससे पहले कि हम पलक झपका पाते ये किसी भी तरह से फेयर फाइट नहीं है, और वो अपने मेल्योर को चमकाते हुए उन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर स्टार्क अभी भी एक ही रट लगाए था कि ये नहीं हो सकता, इसे वापस करो, इसे फिर से ठीक करो, और वो कहता है कि अभी भी मरा हुआ क्यों है। तब थंडर स्ट्राइक कहता है, ये क्या कह रहे हो स्टार्क, मौत तो आखिर मौत है और यही चीज हम लोगों को इन लोगों का असली चेहरा दिखाती है। और तभी एरिस की कुलाड़ी के साथ उस पर भी हमला होता है और एरिस जंग का ऐलान शुरू कर देता है। तभी थंडर स्ट्राइक अपने फॉर्म में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ सब लोग लड़ने लगते हैं। यहाँ पर अवेंजर्स रेस्क्यू होने के लिए आए ही नहीं थे, यहाँ पर अवेंजर्स आए थे अटैक होने के लिए, और इस चीज के लिए बुलसाई को थैंक्स कहना होगा क्योंकि उसी के साथ ये जंग शुरू हुई और अब हम ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा थे।